Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें wifistudy चैनल को. SSC बैंक और रेलवे में जॉब पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला स्टेप है एग्जाम को क्लियर करना. और अगर आपको कोई गाइड करे, शॉर्टकट और ट्रिक्स बताए और मोटिवेट करे, तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्नर लर्निंग. और मैं राजेंद्र सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूजीसी नेट और स्कूल लेक्चर की कक्षा में, ज्योग्राफी वाली कक्षा में दोस्तों. और उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट चल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा. लेकिन जो विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट के हैं, जो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी अपने प्लस कोर्स में थे, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, तो एक बार उसको शेयर करें. जो आपके जितने भी अपने साथी लोग हैं वो इस क्लास को देखें और अपने नोट्स बनाएं और पढ़ें. फिर बोलेंगे कि सर वो नहीं समझ में आया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. तो एक बार आप उनको भी बोल दो, यार मैंने डाला तो था ग्रुप में, ठीक है ना. शेयर कर दिया करो, जिससे उनको भी पता लग जाए. अब बात कर रहे हैं अपन प्रोजेक्शन की, और आज जो प्रोजेक्शन पढ़ेंगे वो प्रोजेक्शन आपका बेलनाकार है, मैं बताता हूं उसके बारे में. नेक्स्ट, शेयर करने का काम आपका है, मेरा काम नहीं है. प्रोजेक्शन अपना बेलनाकार, बेलनाकार प्रोजेक्शन है. इसको सिलेंड्रिकल बोलेंगे अंग्रेजी में, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में. तो अब एक चीज आपको याद रखना है, बेलनाकार जो प्रोजेक्शन होता है वो कैसे बनता है. सिंपल सा है, एक कागज का बेलन बनाकर ग्लोब को क्या करवाएंगे, स्पर्श करवाकर इस प्रकार का प्रक्षेप बनाया जाता है दूसरी बात, ये प्रक्षेप आयताकार होता है तीसरी बात, इस प्रक्षेप की विषुवत रेखा प्रधान रेखा तथा शुद्ध रेखा होती है. अब ये प्रक्षेप कैसे बनेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, बेलनाकार जो प्रक्षेप है, सिलेंड्रिकल बोलेंगे अंग्रेजी में, इसको सिलेंड्रिकल प्रक्षेप बोलेंगे, ये आपको याद रखना है. तो ये एक कागज का बेलन बनाकर ग्लोब को स्पर्श करवाएंगे, और इस प्रकार स्पर्श करवाएंगे कि वो ग्लोब को पूरा कवर कर ले प्रकाश की सहायता से. उस कागज के ऊपर हम इसका आकार बना लेंगे, और जब उसको खोल देंगे तो एक आयतनुमा आकृति अपन को प्राप्त हो जाएगी. तो आयतनुमा आकृति में होता है, और इसमें जो भूमध्य रेखा होती है आपकी, जो विषुवत रेखा होती है, वो शुद्ध रेखा होती है. अब कैसे बनता है ये देखना है. ये मैंने ग्लोब बनाया, इस ग्लोब के ऊपर ये मैंने देशांतर रेखा बना दी, ये अक्षांश रेखाएं बना दी, अब एक कागज का शंकु बनाया,
यह आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, यह आपका कौन सा प्रोजेक्शन है? सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है जो मैंने बताया बनाया ये अभी आपके सामने, इसको बोलेंगे आपके बेलनाकार प्रक्षेप। अभी कैसे बनेगा ये देखना है आपको, दिख रहा होगा आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेना, दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, ये बन गया आपके सामने। अब क्या करेंगे, प्रकाश की सहायता से इस कागज के ऊपर इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अपन निरूपण कर लेंगे, इनको बना लेंगे प्रकाश की सहायता से। तो जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। अब कागज को जब खोल देंगे तो इस प्रकार की आकृति बन के आ जाएगी। अब देखो इसमें अंतर क्या है, इस प्रकार की आकृति बनकर आ जाएगी, लेकिन इसमें अंतर क्या है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वृत्तांश होती हैं, लेकिन जब बेलनाकार इस पे बनाया जाता है तो ये रेखाएं सीधी सरल रेखा के रूप में होती हैं। समझ में ना, अक्षांश देशांतर रेखाएं एक सीधी सरल रेखा के रूप में होती हैं इसमें, यह आपको ध्यान रखना, यह खास बात है। एक कागज का बेलन बना लिया, उस बेलन को ग्लोब को स्पर्श करवाते उसको ढक दिया प्रकाश की सहायता से, इस कागज के ऊपर मैंने अक्षांश देशांतर रेखाएं बना ली और जब इसको मैंने खोला तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो इसमें खास बात क्या है, ग्लोब के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं होती है वो वृत्तांश होती हैं, लेकिन इसमें एक सीधी सरल रेखा के रूप में होती हैं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में अपन को पढ़ना है कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और ये कितने प्रकार का होता है और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो यहां तक देख लो, आराम से दिख रहा होगा सबको, क्लियर है। अब इनकी विशेषताओं की बात करेंगे, स्विच कर दिया ना। अब विशेषताओं की बात करेंगे तो इसकी एक एक विशेषता पढ़ेंगे। पहली विशेषता है अक्षांश व अक्षांश रेखा सीधी भूमध्य रेखा के बराबर व बराबर व समानांतर होती हैं। इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखा सीधी व भूमध्य रेखा के बराबर व समानांतर होती हैं। दूसरी इसकी विशेषता है 90 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि पोल जिसको बोलते हैं, जिसको पोल बोलते हैं, 90 डिग्री अक्षांश रेखा जो जो ग्लोब पर बिंदु होती है 90 डिग्री अक्षांश रेखा जो ग्लोब पर बिंदु होती है प्रक्षेप में बेलनाकार प्रक्षेप में प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा के बराबर होती है, भूमध्य रेखा के बराबर होती है, बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये देख लेना। जैसे मैंने ये बनाया तो देखो यहां पे क्या है, पोल पे ये जैसे पोल पे है तो ऊपर पोल पे इस प्रकार की बनती है ये, लेकिन अगर इसमें बनाऊंगा तो ये देखो सीधी भूमध्य रेखा के बराबर बनेगी। ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, ये नॉर्थ पोल लिख दिया मैंने। तो इस प्रक्षेप की खास बात यही है कि 90 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं होती है वो प्रक्षेप में सीधी भूमध्य रेखा के बराबर होती है, ये इसकी खास बात है। तो मैंने यही लिखा है कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा जो ग्लोब पर बिंदु होती है प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा के क्या होती है, बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं की दूरी प्रक्षेप के अनुसार बदलती रहती है। तीसरी विशेषता क्या है, अक्षांश रेखाओं की दूरी दूरी प्रक्षेप के अनुसार बदलती रहती है, अक्षांश रेखाओं की दूरी प्रक्षेप के अनुसार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ध्यान रखना देशांतर रेखाएं खड़ी हुई सीधी सरल रेखा के समान होती हैं। चौथी विशेषता है देशांतर रेखा सीधी खड़ी, खड़ी का मतलब स्ट्रेट, सीधी खड़ी सरल रेखा के समान होती हैं,
ये देख लो पीछे डायग्राम में, ये देखो ये सारी देशांतर रेखाएं, ये सीधी खड़ी और एक रेखा के समान होती हैं, सीधी सरल रेखा के समान होती हैं, देख लो ये, ठीक है ना। अक्षांत और देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं इसमें, तो यही विशेषता मैंने लिखी, देशांतर रेखा सीधी खड़ी सरल रेखा के समान होती है। अगली विशेषता है इसकी, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं, पांचवी विशेषता, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोब पर देशांतर रेखाएं एक बिंदु के रूप में, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं एक बिंदु के रूप में आकर मिलती हैं, आकर मिलती हैं। अब आपको पता ही है देशांतर रेखाएं ग्लोब में एक बिंदु के रूप में होती है, प्रक्षेप में वैसा नहीं होता, प्रक्षेप पर वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, अर्थात बिंदु के रूप में नहीं मिलती है, यह ध्यान रखना है आपको। ग्लोब पर देशांतर रेखाएं एक बिंदु के रूप में आकर मिलती है, जैसे मैंने ये ग्लोब बना दिया आपके लिए, वापस ये जीरो डिग्री बना दी, ये देशांतर रेखाएं देखो ग्लोब में एक बिंदु के रूप में है, ये बिंदु के रूप में है, ये बिंदु के रूप में है, लेकिन प्रक्षेप बनाऊंगा तो ये देशांतर रेखाएं इस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की होती हैं, ये याद रखना है आपको। तो प्रक्षेप में जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक बिंदु के रूप में होती है, लेकिन प्रक्षेप में क्या होती है वैसी नहीं होती। भूमध्य रेखा पर छठी विशेषता है, भूमध्य रेखा पर मापक शुद्ध होता है इसमें, भूमध्य रेखा पर मापक क्या होता है, शुद्ध होता है, भूमध्य रेखा पर मापक क्या होता है, शुद्ध होता है। अगली विशेषता है, इस प्रक्षेप का उपयोग, इस प्रक्षेप का उपयोग भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को दिखाने के लिए किया जाता है, क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है, इस प्रक्षेप का उपयोग भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला है, इस प्रक्षेप पर विश्व के मानचित्र बनाए जाते हैं, इस प्रक्षेप पर विश्व के मानचित्र बनाए जाते हैं, यह याद रखना है। ग्लोब पर देशांतर रेखाएं एक बिंदु के रूप में आकर मिलती हैं, प्रक्षेप पर वैसा नहीं होता, रेखा पर मापक शुद्ध होता है, यह आपको याद रखना है। इस प्रक्षेप का उपयोग विषुवत रेखीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है, इस प्रक्षेप के ऊपर विश्व के मानचित्र बनाए जाते हैं। तो यह सारी विशेषता आपके सामने लिखी है, कमेंट करने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान बोर्ड पे होता है, कमेंट की तरफ ध्यान नहीं रखता, चाहे आप कमेंट करो या मत करो, समझ में आया ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो जो होता है उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो, तो फिर भी आपकी रिप्लाई दी जाएगी। इस समय पढ़ाने पे मगन रहते हैं, आप भी पढ़ाई में मगन रहो, ये कमेंट तो जिंदगी भर करते रहना, समझ में आया ना। और जिसको भी यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी पे है ना, ये जो वीडियो है इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसमें आप जाओगे तो यूजीसी नेट का कोर्स है, तो वहां जाके आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखो आपको सामने लिखा हुआ है, इसमें 10% ऑफ भी है, अगर कोई करना चाहे तो 10% ऑफ है, आपके सामने आ रहा है, तो आप जाके यहां से कर सकते हैं। समझ में है ना, ये आपके सामने दिख रहा है 10% ऑफ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है, तो वहां जाके आपको यूजीसी नेट का मिल जाएगा, वहां वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, आगे की विशेषताओं की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, आगे की विशेषताओं की बात करें तो इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे, बेलनाकार प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है यह देखना है आपको। प्रकार की अगर मैं चर्चा करूं तो बेलनाकार प्रक्षेप के प्रकारों की एक होता है समदूरस्थ, बेलनाकार प्रक्षेप, समदूरस्थ का मतलब दूरी समान होगी,
एक होता है गोल प्रक्षेप, गोल प्रक्षेप होता है, एक होता है सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। आपके यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेलनाकार प्रक्षेप का कौन सा पार्ट नहीं है, एक है मर्केटर प्रक्षेप, ये मर्केटर प्रक्षेप बेलनाकार प्रक्षेप ही है, और एक है केंद्रीय बेलनाकार प्रक्षेप। ये बेलनाकार प्रक्षेप के भाग हैं, बेलनाकार प्रक्षेप के प्रकार हैं ये सारे के सारे, ये ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कौन सा बेलनाकार प्रक्षेप का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना है, समझ में है ना। समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, गोल प्रक्षेप, सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, केंद्रीय बेलनाकार प्रक्षेप, अब ये सारे प्रक्षेप आपको पढ़ना है, समझ में है ना, ये सारे प्रक्षेप आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की बात करें अपन तो इसकी जो रचना की थी वो रचना की थी प्लेटकारी विद्वान ने, प्लेटकारी विद्वान ने इसकी रचना की थी, नाम में व्यक्ति का प्लेटकारी विद्वान ने इसकी रचना की थी, और ध्यान रखना अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी समान होती है, देशांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या होती है, समान होती है, इसीलिए इसको समदूरस्थ बोला जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इसमें क्या होती है, समान होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको समदूरस्थ प्रक्षेप बोला जाता है, यह ध्यान रखना, समझ में है ना। अगली बात करें इसकी विशेषता की, तो जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखाओं पर मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है, जितनी भी देशांतर है, सभी देशांतरों की बात कर रहा हूं मैं, सभी देशांतरों की, समझ में है ना, तो सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, यह ध्यान रखना है, समझ में है ना, सभी देशांतर रेखाओं की मापनी इस प्रक्षेप में क्या होती है, शुद्ध होती है, यह ध्यान रखना है। अक्षांश रेखाओं में ये याद रखना है, अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा पर ही मापनी शुद्ध होती है, भूमध्य रेखा पर ही मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है, यह ध्यान रखना। पूछ ले निम्न में से कौन से प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है लेकिन केवल भूमध्य रेखा पर ही मापनी शुद्ध होता है, ऐसा प्रक्षेप कौन सा है, तो आपको बताना है समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, यह ध्यान रखना है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, उपयोग इसका उपयोग होता है दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की विशेषता दर्शाने में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की विशेषता दर्शाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप रचना प्लेटकारी विद्वान ने की थी, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी समान होती है इसलिए इसको समदूरस्थ बोलते हैं, देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, सभी देशांतर रेखाओं पर अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा पर ही मापनी शुद्ध होती है, इसका उपयोग भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की विशेषता दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यह ध्यान रखना यह समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। अब पढ़ेंगे अपन सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, ये याद रखना है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारी विशेषता आपको याद करनी है। अगला है सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की बात करें तो इसका निर्माण किया था जे एच लंबर्ट ने, जे एच लंबर्ट ने इसका क्या किया, निर्माण यानी कि रचना।
तो आपसे परीक्षा में पूछ ले, सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की रचना किसने की? जे एस लंबर्ट ने की। आगे की बात करें तो भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध, एक चीज रख लेना, बेलनाकार प्रक्षेप में भूमध्य रेखा पर ही मापनी शुद्ध होगी, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध। इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा पर मापनी क्या होती है? शुद्ध होती है, यह ध्यान रखना है। इसे लंब कोणीय सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं, सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं, याद रखना। पूछ ले किस प्रक्षेप को लंब कोणीय सम क्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं, समझ में आया ना? तो सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप को ही लंब कोणीय सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं, याद रखना। यह है, इसका उपयोग क्यों होता है, उपयोग क्या है इसका? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रोपण कृषि को दर्शाने में इसका उपयोग किया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे गन्ना, चावल, रबड़, कपास, नारियल, गन्ना, चावल, रबड़, कपास, नारियल, चाय, कॉफी, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में रोपण कृषि दर्शाने के लिए कौन सा वीडियो काम में, कौन सा प्रक्षेप काम में लिया जाता है? सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप काम में लिया जाता है, यह आपको याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है, खूब बार पूछता है, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में गन्ना, चावल, रबड़, कपास आदि को दर्शाने के लिए कौन सा प्रक्षेप काम में लिया जाता है? तो आपको याद रखना है, सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप काम में लिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना? बिल्कुल नेट में आते हैं ये सवाल, नेट के आते हैं, क्यों नहीं आते हैं सोनाराम जी? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप का उपयोग किस में होता है? तो आपको याद रखना है, इसका उपयोग भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में रोपण कृषि, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा, उनको दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रक्षेप की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट, अगला जो प्रक्षेप है वो आ गया गोल प्रक्षेप। गोल प्रक्षेप की बात करें तो याद रखना, इसकी विशेषताओं में एकमात्र ऐसा बेलनाकार प्रक्षेप जिसमें भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती है। इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई अपनी वास्तविक लंबाई से क्या दिखती है? छोटी दिखती है। तो गोल प्रक्षेप की पहली विशेषता कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा बेलनाकार प्रक्षेप ऐसा प्रक्षेप है जिसमें भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी दिखाई देती है? तो आपका आंसर आएगा गोल प्रक्षेप है जिसमें भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी प्रतीत होती है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है भाई, ये समझ में है ना? याद रखना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, यह आपको याद रखना है कि वो प्रक्षेप कौन सा बेलनाकार प्रक्षेप है जिसमें भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी प्रतीत होती है। तो गोल प्रक्षेप ऐसा प्रक्षेप है जिसमें भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी प्रतीत होती है। फोर्स देके इसलिए बोल रहा हूं कि परीक्षा में पूछने के प्रबल चांस है इसके, समझ में है ना? याद रखना है। अगली विषय
कि अपन चर्चा करेंगे इस प्रक्षेप में, इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश रेखा 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के समान होती हैं, लंबाई के समान होती हैं, ये याद रखना है। इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश रेखा 45 डिग्री अक्षांश रेखा के लंबाई के समान होती हैं, यह ध्यान रखना है आपको। इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश रेखा 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के समान होती हैं, यह याद रखना है। और सभी अक्षांश रेखाओं को, सभी अक्षांश रेखाओं को ज्ञात करने का सूत्र, इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर कोस 45 डिग्री, ये याद रखना, ये इसका फॉर्मूला है। ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि किस प्रक्षेप में अक्षांश देशांतर रेखाओं को ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर कोस 45 का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। परीक्षा में कई बार पूछ लिया ये प्रश्न कि किस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं की लंबाई को ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर कोस 45 का उपयोग किया जाता है, समझ में है ना। अब 2 पाई आर के स्थान पर ऐसे भी दे सकता है, ये भी याद रखना, पाई का मान 22/7 होता है, तो 2 × 22/7 ऐसे भी दे सकता है आपको, समझ में है ना, पाई का मान 22/7 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली इसकी विशेषता की अगर मैं चर्चा करूं तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को वितरण को दर्शाने के लिए उपयोगी है। उपयोग किसमें किया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए प्रक्षेप क्या होता है? उपयोगी होता है, यह ध्यान रखना है, समझ में है ना। और इसमें क्या होता है, जो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, उनको एक सरल रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रक्षेप में जो पोल होते हैं, पोल को एक सरल रेखा के रूप में दर्शाते हैं, सरल रेखा के रूप में, रूप में दर्शाते हैं। तो याद रखना, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का यदि वितरण दर्शाना है तो वो कौन से प्रक्षेप में दर्शाया जाएगा? तो वो दर्शाया जाएगा आपको मेरे भाइयों, किस? गोल प्रक्षेप में। तो गोल प्रक्षेप की विशेषताओं के बारे में मैं बात करूं आपके सामने, तो पहली विशेषता है एकमात्र ऐसा बेलनाकार प्रक्षेप जिसमें भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती है। इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश रेखा 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के समान होती है। सभी अक्षांश रेखाओं को ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई आर कोस 45 डिग्री है। इसका उपयोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वितरण को दर्शाने में किया जाता है, समझ में है ना, यह ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे की विशेषताओं में बात करेंगे मर्केटर प्रक्षेप। अगला आ गया आपका मर्केटर। तो मर्केटर प्रक्षेप की विशेषताओं की बात करें तो इसका निर्माण या रचना किसने की थी? तो रचना मर्केटर ने की थी, इसलिए इसको बोला गया मर्केटर प्रक्षेप, समझ में है ना। ये डच कार्टोग्राफर था मर्केटर, डच कार्टोग्राफर मर्केटर के द्वारा इसकी रचना की गई थी, इसलिए इसको मर्केटर बोला। और इसका मूल उद्देश्य क्या था, इस प्रक्षेप की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य था समुद्री यात्राओं के दौरान, समुद्री यात्राओं के दौरान सही दिशा ज्ञात करना, सही दिशा ज्ञात करना, यह इसका मूल उद्देश्य था। याद रखना, इस प्रक्षेप का मूल उद्देश्य क्या था? समुद्री यात्राओं के दौरान सही दिशा ज्ञात करना, समझ में है ना, यह इसका मूल उद्देश्य था, यह आपको ध्यान रखना है, समझ में है, तो यह ध्यान रखना है।
और जिसको भी फर्स्ट ग्रेड के प्रश्नों की एक्सरसाइज विद व्याख्या के साथ में जैसे आपने पढ़ लिया समझ में आना, स्कूल लेक्चर की आपने तैयारी कर ली, आपकी भावपूर्ण तैयारी है, अच्छी तैयारी है, बढ़िया, फिर भी आपको लगता है कि मुझे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक्सरसाइज की आवश्यकता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक्सरसाइज में भी क्या होता है कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप उनको टिप टाप के आंसर तो लगा लेते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि इसका आंसर ये क्यों आ, हमने तो ये सोच के बैठे थे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे लगभग 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला चालू की गई है और वो टिल आपके मई के एंड तक या जून के फर्स्ट वीक तक शुरू होने वाली है। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाके आप उसको फॉलो करके उसकी पर मंथ फीस रखी हुई है। जिस भी मंथ में आप उसको देखोगे, केवल जैसे आपने इस मंथ के लिए ज्वाइन किया तो आप उस मंथ के लिए उसको देख लेना, आगे के मंथ में फिर आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी तो नॉमिनल फीस है 1500-1800 रुपए के आसपास। तो जिसको भी करना है तो वो ले सकते हो, 10% इसमें ऑफ है, समझ में है ना, 10% ऑफ है। अगर कोई वाईफाई स्टडी से उसको ज्वाइन करता है तो वो क्लास आपकी 9:30 बजे से 11 बजे तक चलती है डे में, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जिसको भी करना है वो कर सकते हो। तो आगे की विशेषता की बात करें, इसका मूल उद्देश्य था मर्केटर प्रक्षेप को बनाने का, समुद्री यात्राओं के दौरान सही दिशा को ज्ञात करना। अगली विशेषताओं की बात करूं, इसे बेलनाकार यथाकृतिक, बेलनाकार यथाकृतिक कोमा बेलनाकार शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी कहते हैं, शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, याद रखना। भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, भूमध्य रेखा पर मापनी क्या होती है इसकी, शुद्ध होती है। भूमध्य रेखा पर इस प्रक्षेप में मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है, ये ध्यान रखना है। अक्षांशों की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने हेतु सूत्र, अक्षांशों की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसमें जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो है आर लोग टेन 45 क्यू अपॉन 2, ये फॉर्मूला काम लिया जाता है इसकी अक्षांश रेखाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए। मर्केटर प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला काम लिया जाता है वो है आर लोग टेन 45 क्यू अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। इसके माध्यम से अक्षांश रेखाओं की लंबाई ज्ञात की जाती है। तो रचना मर्केटर ने की थी, मूल उद्देश्य समुद्री यात्राओं के दौरान सही दिशा ज्ञात करना। इस बेलनाकार प्रक्षेप को यथाकृतिक प्रक्षेप, बेलनाकार शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। अक्षांशों की लंबाई ज्ञात करने हेतु आर लोग टेन 45 क्यू अपॉन 2 फॉर्मूला जो है वो काम में लिया जाता है। सुमन चौधरी जी, यदि आपने ज्योग्राफी का प्लस कोर्स लिया है ना, तो वो तो आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक्सरसाइज करना चाहती हो तो उसके लिए वो है, आप उसको ज्वाइन कर सकती हो। नेक्स्ट, अगली विशेषता की बात करूं इस प्रक्षेप की मैं, तो यह है शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप है, यानी कि दिशा इसमें शुद्ध होती है, प्रक्षेप है। इसमें दो स्थानों को मिलाने वाली दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा, इसमें दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा को, ये इंपॉर्टेंट है, एक सरल रेखा को एक दिशा नो पथ, अंग्रेजी में बोलेंगे इसे लेग्जो
ड्रम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया, यहां से प्रश्न पूछ लेता है। मैंने स्टार बना दिया कि लेग्जो ड्रम रेखा निम्न में से किस प्रक्षेप में देखने को मिलती है। मर्केटर प्रक्षेप में यही क्वेश्चन पूछता है, मर्केटर प्रक्षेप में यही क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखो। समझ में है ना? तो मर्केटर प्रक्षेप में यही क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? कि एक दिशा नौपथ रेखा निम्न में से कौन से प्रक्षेप में देखने को मिलती है। लेग्जो ड्रम जो रेखा होती है वो किस में देखने को मिलती है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके मर्केटर प्रक्षेप की विशेषता है। और लेग्जोड्रम होता क्या है? ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, इसमें दो स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, दो स्थान चाहे ए बी कोई भी दो स्थान है, उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे एक दिश नौपथ के नाम से जानते हैं, अर्थात लेग्जोड्रम के नाम से उसे जानते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका प्रयोग उपयोग किसके लिए होता है, इस प्रक्षेप का उपयोग किस में होता है, तो नौ संचालन के लिए, नौ संचालन इसका उपयोग किया जाता है। पवनों की दिशा, पवनों की दिशा यानी कि पवनों की डायरेक्शन बताई जाती है, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं उनकी डायरेक्शन बताई जाती है, उनके लिए उपयोगी है। और यह विशेषकर भूमध्य रेखीय क्षेत्र, विशेषकर भूमध्य रेखीय क्षेत्र उनके लिए यह प्रक्षेप उपयोगी है, यह आपको याद रखना है। तो नौ संचालन, पवनों की दिशा, महासागरीय धाराएं, उनको दर्शाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, यह आपको याद रखना है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पवनों की दिशा, महासागरीय धाराएं, नौ संचालन, समझ में है ना, वो उनका उपयोग कौन से प्रक्षेप में किया जाता है, तो वो याद रखना, मर्केटर प्रक्षेप में किया जाता है। समझ में है ना, ये ध्यान रखना है। हरिशंकर जी, वो क्लास 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है जिनकी व्याख्या के साथ में पढ़ाया जा रहा है, उसका टाइम ड्यूरेशन वहां पे सारा मेंशन है, आप टेंशन ना लो उसके लिए। अगला प्रक्षेप की बात करें तो ये प्रक्षेप आपके हो गए। नेक्स्ट प्रक्षेप आपका खमध्य प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप, और खमध्य प्रक्षेप को अंग्रेजी में बोलते हैं जेनिथल प्रक्षेप, जेनेथिल बोलते हैं खमध्य प्रक्षेप को। तो इसकी बात करें तो इसका निर्माण या इसकी रचना, इसकी रचना समतल या ऐसे प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप की रचना कैसी होती है, तो इसकी रचना है ना, इस प्रक्षेप का निर्माण समतल, इसका निर्माण या इसकी रचना समतल प्रक्षेप सतह को ग्लोब के जिस भाग के साथ स्पर्श कराया जाता है, कराया जाता है, उसी के साथ इसकी रचना की जाती है। जैसे कागज के एक समतल सतह है, इसकी रचना कागज के एक समतल सतह को, ये लिख देता हूं मैं आपको, इसकी रचना कागज के एक समतल सतह को ग्लोब के जिस भाग के साथ स्पर्श कराया जाता है उसी के साथ इसकी क्या होती है, रचना होती है। कैसे रचना होती है, जैसे ये कोई कागज ले लिया मैंने, ये कोई कागज ले लिया, इस कागज को मैंने ग्लोब के उत्तरी भाग को टच करवाया, ये उत्तरी भाग ये इसको टच करवाया, और टच करवा के प्रकाश की सहायता से इस प्रकार से मैंने अक्षांश देशांतर रेखाओं का निरूपण कर लिया, इस प्रकार से अक्षांश देशांतर रेखाओं का क्या कर लिया, मैंने निरूपण कर लिया। और यही प्रक्षेप आपका कौन सा प्रक्षेप है, यही प्रक्षेप आपका खमध्य प्रक्षेप है। तो कागज को
ग्लोब के जिस स्थान पर स्पर्श करते हैं और वहीं से अक्षांश देशांतर रेखाओं को ड्रॉ आउट कर लेते हैं और जो प्रक्षेप बनता है वो खमध्य प्रक्षेप बनता है। समझ में आया ना? तो जैसे मैंने ये कागज का कोई एक पार्ट ले लिया, ये कागज का पूरा पार्ट ले लिया, इस कागज के पार्ट को ग्लोब के मैंने इस भाग की तरफ से मैंने टच करवा दिया और टच करवाने के बाद में इस कागज पर मैंने इस प्रकार से अक्षांश देशांतर रेखाओं को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ये याद रखना है, ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है, इसके निम्न रूप होते हैं, इसके स्पर्श के, स्पर्श के निम्न रूप होते हैं। इसको कैसे कैसे स्पर्श करवा सकते हैं? ध्रुवों को स्पर्श कराएं या भूमध्य रेखा को स्पर्श कराएं या बीच वाले पार्ट को स्पर्श कराएं। समझ में आया ना? ये ध्यान रखना है। अब कैसे स्पर्श कराएंगे? इसके रूप ये होंगे, जब समतल समतल सतह समतल कागज समतल कागज जब समतल कागज को ग्लोब के किसी एक पोल को, एक पोल का मतलब होता है ध्रुव, एक पोल को स्पर्श करें तो उसे ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप कहेंगे, यानी कि पोलरली जेनिथल प्रक्षेप कहेंगे, कहते हैं। अब देखो क्या रहा है, जब समतल कागज को ग्लोब के किसी एक पोल को स्पर्श कराते हैं, समझ में है ना? तो जैसे ये आपका ग्लोब है, ये ग्लोब बना दिया। अब समतल कागज ये लेके मैं इसको यहां स्पर्श करा रहा हूं, एक पोल पर स्पर्श करा रहा हूं। समझ में है ना? एक पोल पर स्पर्श करा रहा हूं, चाहे तो नॉर्थ पोल पे करवा दूं चाहे साउथ पोल पर करवा दूं, ठीक है ना? तो वो जो बनेगा उसे बोलेंगे ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। दूसरे प्रकार की अगर मैं चर्चा करूं तो पोल पे करवाया, दूसरे प्रकार में यदि मैं भूमध्य रेखा को स्पर्श करवाता हूं, भूमध्य रेखा को स्पर्श कराऊं तो उसे बोलेंगे भूमध्य रेखीय खमध्य प्रक्षेप। तो क्या होगा दूसरी सतह में, क्या होगा, जब समतल कागज की सतह को ग्लोब के ग्लोब पर भूमध्य रेखा से स्पर्श करवाते हैं तो उसे भूमध्य रेखीय खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। ये याद रखना है, जब समतल कागज की सतह को भूमध्य सतह को ग्लोब पर भूमध्य रेखा से स्पर्श करवाते हैं तो उसे भूमध्य रेखीय खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। इसमें कैसे बनेगा ये देखना है आपको। जैसे ये ग्लोब ले लिया मैंने, अब इस भूमध्य रेखा को कागज की सतह से, ये कागज की सतह ले ली मैंने, समतल कागज की सतह ले ली और इस कागज की सतह को भूमध्य रेखा से स्पर्श करवा दिया तो जो प्रक्षेप बनेगा उसे बोलेंगे भूमध्य रेखीय खमध्य प्रक्षेप। समझ में है ना? क्लियर है? तीसरी स्थिति क्या होगी इसकी, थर्ड स्थिति जो होगी इसकी, थर्ड स्थिति क्या होगी भाई दोस्तों, जब समतल कागज की सतह को भूमध्य रेखा व पोल के अलावा
इनके मध्य कहीं भी स्पर्श कराते हैं तो उसे त्रियक खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। यह ध्यान रखना, पहली स्थिति यदि कागज की समतल सतह को हम ध्रुवों से स्पर्श कराते हैं तो ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, यदि कागज की सतह को भूमध्य रेखा से स्पर्श कराएं तो भूमध्य खमध्य प्रक्षेप, और यदि कागज को ध्रुवों के अलावा और भूमध्य रेखा के अलावा इनके बीच में कहीं भी स्पर्श कराएं तो उसे त्रियक खमध्य प्रक्षेप कहेंगे। ये याद रखना है, यदि हम ध्रुवों को स्पर्श करवाते हैं तो ध्रुवीय खमध्य बन जाएगा, भूमध्य रेखा को स्पर्श करवाएंगे तो भूमध्य रेखे खमध्य बन जाएगा, और ध्रुवों के अलावा और भूमध्य रेखा के अलावा, ध्रुवों को भी छोड़ दो और भूमध्य रेखा को भी छोड़ दो, समझ में है ना, और फिर स्पर्श करवाएंगे तो वो बनेगा जो प्रक्षेप बनेगा आपका त्रियक खमध्य प्रक्षेप बनेगा, समझ में है ना, उसे बोलेंगे त्रियक खमध्य प्रक्षेप। ठीक है, तो उसमें कहीं भी स्पर्श करवा लें, जैसे बीच में स्पर्श करवाए अपन, ये आपका ये ले लिया मैंने, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। अब मैं ना तो यहां स्पर्श करा रहा, ना भूमध्य रेखा के स्पर्श करा रहा, अब मैं स्पर्श करा रहा हूं यहां पे, ये कागज की सतह ले ली और यहां पे मैं इसको स्पर्श करा रहा हूं, ये स्पर्श करा रहा हूं, इस वाले पार्ट में स्पर्श करा रहा हूं। अब जो प्रक्षेप बनेगा वो त्रियक मध्य प्रक्षेप बनेगा, समझ में है ना, अब जो प्रक्षेप बनेगा वो कौन सा बनेगा, त्रियक खमध्य प्रक्षेप बनेगा, यह ध्यान रखना है आपको। क्लियर है यहां तक का मामला? क्लियर है? नेक्स्ट, आगे की बात करेंगे इसकी, तो खमध्य प्रक्षेप के प्रकारों की बात कर लें। तो आपको कुल 12 प्रकार प्राप्त होंगे और इनको दो भागों में बांट दिया, एक होता है संदर्श खमध्य प्रक्षेप और एक होता है असंदर्श खमध्य प्रक्षेप। संदर्श खमध्य प्रक्षेप की बात करूं तो तीन स्थितियां बनेंगी इसकी, ध्रुवों वाली, विषुवत रेखा वाली और त्रियक। अभी अपन ने यही बात की थी, अगर ध्रुवों को स्पर्श करेंगे तो ध्रुवीय खमध्य, विषुवत रेखा को स्पर्श करेंगे तो विषुवत रेखीय खमध्य, और कहीं बीच में स्पर्श करेंगे तो त्रियक खमध्य। ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं, नोमोनिक, स्टीरियोग्राफी, और ऑर्थोग्राफी। विषुवत रेखा में भी यही तीन स्थिति सेम बनेंगी, त्रियक में दो स्थिति बनेंगी, त्रियक में ये दो स्थिति बनेंगी, ये केवल दो ही बनेंगे, ये वाला नहीं प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। तो नोमोनिक, स्टीरियोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, विषुवत रेखा में भी नोमोनिक, स्टीरियोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, ये क्या होंगे मैं बता दूंगा, त्रियक में भी नोमोनिक, स्टीरियोग्राफी, ऑर्थोग्राफी प्राप्त नहीं, ठीक है ना। असंदर्श प्रक्षेप की बात करेंगे तो दो स्थितियां हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए और विषुवत रेखीय क्षेत्रों के लिए। ध्रुवीय की बात करूं तो समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप और एक है सम क्षेत्र, तो ये दो प्राप्त होंगे, ध्रुवीय समदूरस्थ और ध्रुवीय सम क्षेत्र। विषुवत रेखा पर बात करूं तो सेम दो ही प्राप्त होंगे, बिल्कुल एक तो होगा विषुवत रेखीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप और दूसरा है विषुवत रेखीय सम क्षेत्र खमध्य प्रक्षेप।
तो टोटल 12 हो गए होंगे, काउंट कर सकते हो आप, टोटल 12 हो गए, आसानी से काउंट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो देखो संदर्भ, संदर्श का मध्य समझने का प्रयास करना। तीन स्थिति मैंने बताई थी, या तो कागज को, ध्रुवों को स्पर्श कराओ, या विषुवत रेखा को, या बीच में, तो बीच में त्रियक बोलेंगे। तो तीन प्रकार के हो गए, नोमोनिक, स्टीरियोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, विषुवत रेखा पे भी तीन और त्रियक में दो, तो टोटल 8 हो गए। ये ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवीय और विषुवत रेखीय, तो ध्रुवीय के लिए क्या हो जाएगा, सम दूरस्थ ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, सम क्षेत्र ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। विषुवत रेखा की बात करें तो वही सम दूरस्थ विषुवत रेखीय खमध्य प्रक्षेप और सम क्षेत्र विषुवत रेखीय खमध्य प्रक्षेप। तो 8 वो हो गए, 4 ये हो गए, 8 और 4 कितने हो गए, टोटल 12। समझ में है ना, 8 और 4 टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। क्लियर है मामला? अरे बोल तो दो देवताओं, मामला सेट है क्या? क्लियर है क्या, मामला सेट है क्या? नितिन मास्टर जी राम राम, बहुत दिनों में मिले हो आज तो आप, और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना नितिन मास्टर जी? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बारह हो गए ना, इनको रट लेना, मामला सेट हो जाएगा बेटा। वो सेट है ना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये आपको रिमोट सेंसिंग मैंने पढ़ा दी है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया, कोरिलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा का पूरा प्रोजेक्शन वाला पार्ट आपका चल रहा है। देन उसके बाद में इंडिया के मिनरल्स और इंडिया की इंडस्ट्री लेंगे, ठीक है? और अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आप आराम से अनअकैडमी पे आइए, वहाँ आपका वेलकम है, वहाँ आके आप इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपकी तैयारी में और भी 4 चांद लग जाएंगे। साथ के साथ में डिटेल भी हो रही है, और साथ के साथ में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हो रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर है, एकदम सेट है। तो अब शुभरात्रि करेंगे आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्लास अपन कल लेंगे। विश ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, और अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। अनअकैडमी पे जाते हो तो 10% का ऑफ मिलेगा आप लोगों को, यह आपके लिए बहुत अच्छा फायदा है।